दोस्तों वेलकम टू एनी अपडेट्स। दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों आज हम बात करने वाला है वेस्ट बंगाल साइकिल 2 का रिजल्ट कब तक जारी करेगा और पिछले साल के कट ऑफ कितना जा चुका है और इस बार कट ऑफ कितना होने वाला है, इस बारे में आज हम बात करने वाला है। तो चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों रिजल्ट आप लोग तो जानते हैं 3 या 4 महीने सभी स्टेट का लगता है और इसी बार वेस्ट बंगाल का रिजल्ट ऐसे ही होने वाला है। 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और पिछले साल की कट ऑफ कितना जा चुका है उस बारे में बात करेंगे। चलिए साइकिल 1 की कट ऑफ कितना जा चुका है देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल की साइकिल 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो सामने आ चुका है और जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट जा चुका है 95%। इधर देख सकते हैं 6 नंबर पे देख सकते हैं 95% जा चुका है और लोएस्ट जा चुका है 85%। और एससी का कितना जा चुका है वो भी आप देख सकते हैं, एससी का हाईएस्ट जा चुका है 95%। अब देख सकते हैं 31 नंबर देख सकते हैं 95% जा चुका है और लोएस्ट जा चुका है 84%। आप लोग 84% देख सकते हैं, 87 नंबर पे देख सकते हैं 84% जा चुका है। एसटी का कितना जा चुका है वो भी आप लोगों को देखूंगा। एसटी हाईएस्ट जा चुका है 89% और 89% इधर देख सकते हैं विनोद कुमार देख सकते हैं और लोएस्ट जा चुका है 150 नंबर पे देख सकते हैं 76 जा चुका है। और ओबीसी का कितना जा चुका है, ओबीसी का हाईएस्ट जा चुका है 96 जा चुका है। इधर देख सकते हैं अनंत नाथ देख सकते हैं 96 और लोएस्ट जा चुका है 64 नंबर पे ये देख सकते हैं 84% जा चुका है। तो दोस्तों साइकिल 1 की कट ऑफ थोड़ा हाई जा चुका है, इस बार भी हाई हो सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस बार साइकिल 2 का कट ऑफ कितना हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों साइकिल 2 का कट ऑफ इस बार जनरल का 94 से 96 तक जा सकता है, ओबीसी का 82 से 88 तक, एससी का 75 से 80 तक और एसटी का 71 से 79 तक, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ जा सकता है 70 से 75 तक। दोस्तों ये कट ऑफ अनऑफिशियल है और रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट आ जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही रिजल्ट का कोई नया अपडेट आ जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।